कैश खोल लें और कल की फिगर में आज की रिसीट और पेमेंट बढ़ाते घटाते रहें ताकि 1 बजे ऑन द टॉप बैलेंस हो। बस सर आपका इंतजार था, 1:05 पर स्टेटमेंट मिल जाएंगे। क्यों देर सर, 5 बजे तक सारे स्टेटमेंट मिल जाएंगे? 4 बजे इम्तियाज साहब, आज तो मौसम भी खुशगवार है। बस मैं चाहता हूँ हेड ऑफिस में सबसे पहले स्टेटमेंट हमारी हो। साइकिल तैयार? फिक्र नहीं करो साहब, चाहिए ओवर की तरह जाएगा और फैट से स्टेटमेंट कंट्रोलर साहब का टेबल पर। हेलो मिस्टर रहमान, एनी प्रॉब्लम? ओनली द रेन सर। नॉट इवन मिस्टर रहमान, वो तो जन्म जन्म का रोग है सर, कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं? वेल सर, वेल सर। अच्छा तो मिस अहमद, आज कोई मिस्टेक नहीं होगी? यस, जरा एहतियात से काम किया। एक मिस्टेक तो सुबह सुबह हो गई, आज बैंक आते हुए। मिसेस रहमान, कपाड़िया वर एक्चुअली ब्रांच बैंकर, उसने ब्रांच क्रेडिट जानता था काम। डेवलपमेंट तो हम सब कर लेते हैं, जाके अकाउंट ले आए कुछ अरसे के लिए, कुछ रहा, कुछ दिन चला गया अकाउंट, ताल्लुकात की बात। लेकिन क्रेडिट देना, क्रेडिट को वॉच करना, ब्रांच के को चलाना, पूरा ब्रांच के जितने फंक्शन है, 280 फंक्शन है ब्रांच के, तो ही वॉज ए गुड बैंकर। मगर सताते थे उसको। एक दफ़ा ये किया, उसके साथ जाती मैनेजमेंट है, मैं इकरार करता हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, कि उसको और बहुत से और लोगों को, बहुत से मैं उनमें वो भी था, जमीन निश्चर साहब ने प्रमोट किया था, बड़े कमेटियाँ बना के सब कुछ करके, ज़ाहिर है मैं भी इस कमेटी का मैं भी चेयरमैन था, मैं भी शामिल था उनमें, प्रमोट किया था। अगले मैनेजमेंट ने आके उसको डिमोट कर दिया, इन सबको बड़े परेशान। तो मैंने कहा लतीफ तुम लड़ जाओ, लोग डिसहार्टन हुए, दिल शिकस्ता बैठे थे, पैसे नहीं वकील को देने के लिए, ये वो। लतीफ फॉट, लतीफ लड़ा और बहाल हुआ, हाई कोर्ट से जीते। शख्सियत इतनी भरपूर शख्सियत थी कि जिसकी बिना पर कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता, एक दफ़ा अगर मिल ले तो वो उससे बार बार। तो धीरे धीरे मेरी इतनी गुर्बतदारी हो गई कि मैं लतीफ़ साहब से मिले बगैर रह नहीं सकता था और वो मुझसे मिले बगैर नहीं रह सकते थे। अगर उनको काम भी नहीं होता था तो वो फ़ोन करके हमेशा खैरियत भी पूछते थे और टीवी स्टेशन आ जाते थे, या कभी घर आते थे, या अपने घर पे उनको महफिलें रखने का बड़ा शौक़ था कि सारे दोस्त अहबाब, यानी कि सिर्फ अदाकार ही हों उसके अंदर, उसमें अदाकार भी होते थे, उसमें पेंटर भी होते थे, उसमें राइटर भी होते थे, उसमें मूसीकार भी होते थे, उसमें म्यूजिशियन भी होते थे, इस तरह के मुख्तलिफ ब्यूरोक्रेट्स इवन के, ये सारे लोग ताजिर, ये मुख्तलिफ किस्म के लोग जो है ना, जिसे मैं कहता हूँ कि मेरे नज़दीक लतीफ़ कपाड़िया की शख्सियत जो है वो बड़ी हमाजहत शख्सियत, इतनी भरपूर शख्सियत, और लोग भी मैंने देखा कि उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। फिर उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म इतना था जो मैंने बहुत कम लोगों में देखा, कि जब कोई चीज़ करते थे तो हमेशा कहते थे मुझे बताओ यार कि क्या है, मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। मतलब डायरेक्टर को बड़ी इम्पोर्टेंस देते थे, जो कि हर एक्टर को देना चाहिए। लतीफ़ साहब के अंदर ये बहुत बड़ी बात थी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के जो बुखारी ऑडिटोरियम है, वहाँ पर एक खेल पेश किया जा रहा था, एक किस्म का थिएटर फेस्टिवल हो रहा था, और हम यूजुअली, मैं क्योंकि नज़दीक रहता था इसलिए किसी ने मुझसे कहा और मैं वहाँ गया, तो मालूम ये हुआ कि वहाँ पर एक खेल हो रहा है। कराची से एक अली अहमद साहब एक थिएटर लेकर आए हैं जो किस्सा सोते जागते का है। यकीन करें कि उस खेल ने मेरे ऊपर इतना अजीब असर किया, क्योंकि वो एक माशाल्लाह का दौर था सदर अयूब के, और उसमें जो सटायर था और उसमें जो उसकी फॉर्म थी थिएटर की, और जो प्रेजेंटेशन थी और जो अदाकारी थी, इतनी नॉर्मल रिलैक्स और नेचुरल एक्टिंग, और जो उसके डायलॉग्स थे, उसका जो मेन किरदार था आदम, वो लतीफ़ कपाड़िया ने किया था। ही वॉज़ ए यंग मैन एट दैट टाइम,
और माशाल्लाह से लतीफ़ कपाड़िया अपनी जवानी में और आखिर तक एक खूबसूरत आदमी रहा है। मैं इतना मुतासिर हुआ कि मैं बैकस्टेज गया और मैंने जाकर डरते डरते उस किरदार को देखा जो आदम का रोल कर रहा था, तो वो इतना नेचुरल अंदाज में अपने दूसरे साथी अदाकारों से गुफ्तगू कर रहा था कि मेरी हिम्मत बंधी और मैं उससे मिला और मैंने कहा कि मैं यहाँ पर, हम भी छोटा मोटा थिएटर करते हैं, आप कराची से आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है देखकर। और फिर उसके बाद सिलसिला ये हुआ कि जब मैं लाहौर से वापस कराची आया और आके यहाँ बसने लगा, तो सबसे पहले मैं अली अहमद के नाटक गया और वहाँ पर मेरी मुलाकात लतीफ़ कपाड़िया से हुई और मैंने और लतीफ़ ने मिलके कई प्ले किए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे जो लतीफ़ के साथ काम करने में मज़ा आया, उस ज़माने में वो प्ले हमने किया मंटो का, जो दो प्ले जो कि लोग सुनते हैं कि वो पॉसिबल नहीं थे, लेकिन काली शलवार और बादशाहत का खात्मा मैंने लतीफ़ के हेल्प से किया। मैं आज कहूँगा कि लतीफ़ अगर मुझे सपोर्ट नहीं करता तो शायद मैं वो दो प्ले नहीं कर पाता। लतीफ़ के साथ एक जो मेरे नज़र में बहुत ज़्यादती हुई है टेलीविज़न के हवाले से, हालांकि उनको इतना शोहरत मिली और उसी से वो पहचाने जाते हैं और इतने मशहूर हो गए हैं, लेकिन उनको बहुत अंडररेटेड उनको रखा उस पर और उनको टाइपकास्ट ज़्यादातर कर दिया था। वो इतना अजीम एक्टर था ख़ास तौर पे थिएटर का और टेलीविज़न का कि अगर उसको जो रोल भी मिलते, सीरियस रोल्स मिलते, और उसने बहुत स्टडी की थी थिएटर की, आर्ट की, लिटरेचर की, तमाम जितने भी ये थे डिसिप्लिन्स, जितनी फील्ड्स उसमें, लेकिन उसको हमेशा एक मजाहिया रोल या सेट का रोल, ये मेरे ख्याल में उसके साथ बहुत जाती हुई एक इतने अजीम आर्टिस्ट के साथ। लतीफ़ साहब से मेरी पहली मरतबा मुलाकात मेरे पहले प्ले अनारकली के सेट पर हुई थी, हालांकि उससे पहले तो उनको टेलीविज़न पे देखा था, प्लेस में उनका काम देखा था, लेकिन मुलाकात मेरी अनारकली के ही सेट पे हुई थी, जो विच वॉज़ माई फर्स्ट प्ले, और मेरे लिए वो बिल्कुल सब कुछ बहुत नया था। इट वॉज़ अ कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस ज़ाहिर है हर मिलने वाला। उस वक्त मुझे एक घबराहट भी सी होती थी क्योंकि टेलीविज़न पे आने से पहले मेरा शो बिज़नेस या टेलीविज़न या फिल्म के लोगों से कभी वास्ता नहीं पड़ा, तो एक डर तो होता है कि किस तरह के लोग होंगे। लेकिन लतीफ़ साहब से मिल के बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे और ऐसे सीनियर आर्टिस्ट थे जिन्होंने सिखाया भी काम करते हुए और हौसला बढ़ाया, और ये बिल्कुल मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं नई हूँ या पहली मरतबा काम कर रही हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि अलॉन्ग विद बीइंग अ वेरी गुड आर्टिस्ट, ही वाज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल, और ये उनके काम में भी नज़र आता है, महसूस हो जाता है इंसान को स्क्रीन पर देख कर, मेरे ख्याल में पता चल जाता है, खासकर जब कोई इस काम में आ जाता है मालूम हो जाता है कि कौन सिर्फ अच्छा आर्टिस्ट है लेकिन कौन अच्छा इंसान भी है, क्योंकि वो चीज़ें झलक जाती है स्क्रीन पे, नजर आ जाती हैं, और लतीफ़ साहब उनमें से थे। जो रुके तो कोहे करा थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए, वह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। मैं जब चला गया लाहौर फिल्म में काम करने लगा, जब वापस आता था तो ऐसा कुछ इत्तेफाक होता था कि 9:30 रात को आता था जहाज, तो जब मैं आता था कराची तो लतीफ़ के घर पे जाता था और लतीफ़ मुझे पता था कहाँ सोता है, तो ये उसका बिस्तर है और ये खिड़की है, मैं खिड़की पे नाक करता था।